सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और ये वाली वीडियो में हम लोग क्रेट अनबॉक्सिंग करने वाले, जो नई वाली ड्रेस आई है अभी, सी सर्पेंट ड्रेस करके उसका कुछ नाम है। और हाँ गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूँ, जो प्रीवियस गिव अवे होस्ट हुआ था उसके नेम्स आ चुके हैं, जो जो लोगों ने गिव अवे जीता है। तो आप जाके वो वाला जो अकाउंट था इंस्टाग्राम पे, आप उसकी स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आपका नाम है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर आपका नाम नहीं है तो गाइस आपको उदास होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक नया गिव अवे आ रहा है बिल्कुल फ्रेश, जिसमें हम लोग 50 रॉयल पास गिव अवे करेंगे, एकदम इंस्टेंट, एकदम एट अ टाइम करेंगे हम लोग गिव अवे। और गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग वो गिव अवे करेंगे, और उसके बाद जो मैं लिंक दूंगा आपको नीचे, वो उन्हीं के यहाँ गिव अवे हो रहा है, हम लोग मिलकर गिव अवे कर रहे हैं। आप मेक श्योर कि वहाँ जाके चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हर संडे एक रॉयल पास का गिव अवे होगा गाइज। हाँ, हर संडे आप एक रॉयल पास जीत सकते हो। तो जब तक रॉयल पास है सीज़न 8 का, हर संडे आपके पास चांस रहेगा जीतने का। आपको बस क्या करना है, लाइव चैट में एक्टिव रहना है, और वो आपको रॉयल पास दे देंगे सीज़न 8 का। हर संडे आप हर संडे एक रॉयल पास जीत सकते हो, और 50 रॉयल पास का इंस्टेंट गिव अवे तो होगा ही होगा। तो बस आपको ये इन्फॉर्म करना था, मेक श्योर कि आप लिंक चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है। और तो चलो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, क्रिएट अनबॉक्सिंग से पहले जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जब कार 98 अपग्रेड करूँगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कार 98 अपनी अपग्रेड की है। और हाँ गाइस, ये कार 98 मैंने पूरी मैक्स अपग्रेड नहीं की, क्योंकि जब मैं अपग्रेड कर रहा था तो तभी सीज़न 8 आ रहा था, तो मैंने थोड़ी उसी सीज़न 8 के लिए बचा ली थी। बट मैंने ये किल मैसेज तक कर ली, जहाँ तक थोड़ी मुझे लगी किल मैसेज तक अच्छी होगी। बट अगर इन फ्यूचर मैं इसको अपग्रेड करूँगा तो गाइस मैं श्योर कि मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप चिंता ना करो। और हाँ गाइस, ये जो क्रेट आया था, मैंने सोचा इसकी भी अनबॉक्सिंग डाल दूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा क्रेट था, काफ़ी सही था, मतलब 540 UC का था, और इसके अंदर काफ़ी अच्छा अच्छा सामान था। तो मैंने सोचा ये भी आपको थोड़ा दिखा दूँ, फिर हम लोग जो अभी नई जो नई वाली ड्रेस आई है, हम लोग उसको अभी करके दिखाएंगे अनबॉक्सिंग, और देखते हैं क्या वो कितने टाइम में मिलती है मेरे को। तो गाइस देख सकते हो, यहाँ पर मुझे पेन मिल गया। ये पेन पर पता नहीं क्या बना हुआ है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये क्यूट सा। तो मैंने इसको एक बार और घुमाया, ये बग्गी मुझे शायद दो बार मिल गई, और वो ड्रेस भी मिल गई एक बार, और पैराशूट भी मिल गया, और ये ड्रेस भी मिल गई। तो ये क्रेट तो काफ़ी अच्छा रहा, थोड़ा सा ही खोलना पड़ा और मुझे सामान मिल गया ऑलमोस्ट हर कुछ। और हाँ गाइज, जो हेलमेट था वो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, बट वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो चलो गाइज, हम लोग सी सर्पेंट सेट जो आया है इसकी क्रेट अनबॉक्सिंग करते हैं, और देखते हैं कि ये मेरा लक कैसा है इसमें। तो गाइज चलो, हम लोग पहली स्पिन, मतलब पहला खोलते हैं 10 क्रेट, पहले 10 क्रेट देखते कि हमारा लक कैसा है, क्या मिलेगा पहले 10 क्रेट में। तो पहला लेजेंड्री आइटम, लेजेंड्री तो आया नहीं अभी तक। तो गाइस मेरे को AKM मिल चुकी है, काफ़ी अच्छी स्किन है ये, और पहले स्पिन में ही मिल गई तो काफ़ी अच्छी बात है। चलो AKM तो मिली कम से कम, और हेलमेट भी मिल गया गाइस दूसरे स्पिन में। हेलमेट भी काफ़ी सिक लग रहा है, बहुत सही लग रहा है ये हेलमेट। तो अब देखते हैं मुझे वो जो सी सर्पेंट सेट है वो कब तक मिलेगा। तो ये तो पूरा ही एकदम कचरा मिल गया गाइस, इसमें पूरा एकदम साफ ही गया ये तो। मेरे को एज मिलने जा रहे थे, इसमें देखता हूँ क्या मिलेगा। बैग मिल चुका है हम लोगों को, बैग भी काफ़ी सही है, और देखते क्या मिलेगा। जूते मिल गए लास्ट में, चलो बढ़िया है। और वापस AKM मिल चुकी है, दो दो AKM का क्या करूँगा मैं पता नहीं, बट स्टिल दे दो। और इसमें ये चड्डी मिले जा रही है पता नहीं बार बार। वापिस एक टॉप, मतलब भाई देंगे कि नहीं ये पता नहीं। अभी तो मुझे लगता है काफी स्पिन्स घुमाने पड़ेंगे मेरे को, है ना, मेरा रुकता ही नहीं, मतलब 10 के 10 इसमें भी नहीं मिला। वापिस हेलमेट मिल चुका है मेरे पास, 2 AKM 2 हेलमेट हो गई। और गाइज आप गेस करना कि कौन से वाले स्पिन में मिल सकता है, और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपने सही गेस किया था कि नहीं। तो डिसमेंटल देख लूँ, डिसमेंटल तो काफ़ी है मेरे पास, बाद में करूँगा इसको डिसमेंटल। अभी हम लोग वापस क्रेट खोलेंगे और देखेंगे क्या मिलता है। बैग आप देख सकते हो गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा है बैग। हेलमेट लगा के दिखाता हूँ, हेलमेट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर वो ड्रेस मिल जाती है तो उससे एकदम प्रॉपर मैच करेगा ये हेलमेट मेरा। तो ड्रेस तो है नहीं मेरे पास अभी। और ये क्या दिया था इन लोगों ने, अच्छा ये सामान था, ये तो कुछ खास है नहीं। और हाँ गाइस, इससे पहले भी मैंने एक स्पिन घुमाई है, मतलब 8000 UC की, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, तब मुझे वो हैट और वो सब मिला था, निकलने वाला होगा। और देख सकते हो इसमें भी कुछ नहीं मिला मेरे को, दोबारा घुमा रहा हूँ, देखता हूँ कब तक मेरे को इसमें भी कुछ नहीं मिला। ये भी पूरा साफ ही कचरा गया एकदम। और देखता हूँ अभी क्या मिलता है। ये भी एपिक है, ये भी एपिक, और ये भी बेकार, ये भी बेकार है। पता नहीं गाइज मेरे को कब तक मिलेगा
बट ये ड्रेस तो मैं निकाल के रहूँगा क्योंकि सबसे बेस्ट इमोट है अभी तक की इस ड्रेस की, अगर आपने देखी हो तो, वो गन ऐसे ऐसे घुमाता है हाथ में। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कब तक मिलती है ये, अभी तक तो नहीं मिली है हमें। शायद हमने ऑलमोस्ट 3 स्पिन कर लिए हैं टोटल 8000 यूसी के। गाइज हम ऑलमोस्ट 3 स्पिन कर चुके हैं, मतलब टोटल 24000 यूसी, और अभी तक मुझे वो ड्रेस नहीं मिली। आप देख सकते हो सामने बिल्कुल साफ कचरा ही मिल रहा है मेरे को, एकदम सारे कॉमन है, ना तो कोई एपिक ना लेजेंडरी। थोड़ा तो थोड़ी देर तो मैंने देखा कि ये क्या दे दिया इन लोगों ने। और यहाँ मेरा फ्रेम अनलॉक हो चुका है, इसको देख लूँ मैं, फ्रेम काफ़ी सही है ये। चलो अटका हुआ था बहुत दिनों से 65 पर ही, अब मैं देखता हूँ अब मिलता है कि नहीं। ये थोड़ी निंजा टेक्निक लगा लूँ वापस, शायद मिल जाए इसमें। तो इसमें भी मेरे को कोई उम्मीद नहीं लग रही, सारा बेकार ही गया है कचरा। तो गाइज अब देखो फिर से मैं निंजा टेक्निक लगा रहा हूँ कि शायद इसमें मिल जाए। एक एक करके खोलना सजेस्ट किया मेरे दोस्त ने मेरे को, तो मैंने एक एक करके खोला, एक एक करके भी मैं ट्राई कर ले रहा हूँ, लग क्या है कुछ नहीं मिला। तो फिर मैंने वापस 10 खोले और इधर भी सारा कचरा ही मिलने जा रहा है। लेजेंडरी भी देना बंद कर दिया इन लोगों ने तो पता नहीं क्यों, तो ये पता नहीं क्या पकड़ा दिया, ये तो बेकार ही है एकदम। मैं बोला ना मेरे को, फिर बस बाकी सारे कॉमन, जब कॉमन मिलते हैं मैं थोड़ी देर स्क्रीन पर देखता हूँ कि ये क्या दे दिया इन लोगों ने, फिर जाके मैं नेक्स्ट खोलता हूँ। देख सकते हो इसमें भी सारा बेकार ही दिया है मुझे सामान। ये जब घूमता है तो थोड़ा सस्पेंस, और मुझे वापस मिल चुका है हेलमेट, पता नहीं 3 हेलमेट का मैं क्या करूँगा। डिसमेंटल करके सिल्वर फ्रैगमेंट से तो कुछ है नहीं रिडीम में अच्छा, और जो है वो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ रिडीम, इसमें भी कुछ खास नहीं। कब तक ड्रेस देंगे पता नहीं, घुमाया जा रहा हूँ। और हाँ गाइज मेक श्योर आप मुझे बताना ज़रूर कि आपको कितने टाइम्स में ये ड्रेस मिल गई थी, या जिसको जिसको कूपन से मिल गई है वो तो ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मुझे जानना है कि ये ड्रेस कूपन से भी मिली है कि नहीं किसी को, जो फ्री का कूपन मिलता है आपको, या फिर आप सिल्वर फ्रैगमेंट से जो रिडीम करते हो। बट मेरी तो किस्मत आज तक इतनी बेकार है कि कूपन से मेरे को आज तक ना लेजेंडरी मैथिक तो छोड़ दो, एपिक ही बहुत कम बार मिलता है, सिल्वर फ्रैगमेंट्स ही दे देते हैं ये लोग मुझे हर बार 5 या 10, 50 भी नहीं देते। मैं वापस करता हूँ गाइस, वापस हम लोगों ने लोड किया और देखते कि इसमें क्या मिलता है। मैंने पूरे कपड़े वपड़े हटा दिए कि साला आप दे दे मेरे को कुछ, इसमें भी कुछ नहीं मिला। 46, 54, ये वापस पकड़ा दिया है सबसे बेकार आइटम इस पूरे क्रेट का, मेरे हिसाब से बेकार है गाइस, ऑफेंड मत हो जाना आप। और ये बैग वापस मिल चुका है, बैग भी शायद मेरे पास 2 या 3 बार हो गए, इसमें भी सारा बेकार ही गया, ये भी बेकार। जब गाइस जो कार्ड घूमता है ना तो बहुत सस्पेंस क्रिएट होता है कि यार अब इसमें लेजेंडरी मिलेगा या मिथिक मिलेगा, बट ये पकड़ा एपिक देते हैं तो पूरा मज़ा ही ख़राब कर देते हैं ये। मैं वापस निंजा टेक्निक लगा रहा हूँ कि इस बार तो मिल जाए ऐसे ऐसे करने से, तो इस बार भी नहीं मिला गाइस, देख ही सकते हो आप। जब एपिक निकल गया तो मेरे को तो उम्मीद ही नहीं है कि मिले इसमें। ये भी देखो जूते वूते निकल रहे हैं, कितना गुस्सा, ये भी पूरा साफ, देंगे ही नहीं आज लगता है। किस लगाते गया सबसे पहले टाइम, ये भी सारा बेकार ही गया है कुछ नहीं, बट लेके तो मैं मानूंगा क्योंकि ये ड्रेस काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। और हाँ गाइस ये ड्रेस मेरे दो दोस्तों को, मतलब जब ये आई थी तब उन्होंने तभी रिडीम कर ली थी, तो वो मुझे इमोट करके दिखा रहे थे, तो मुझे अब तो ये निकालनी है क्योंकि काफ़ी सही ड्रेस लग रही है ये। इसमें भी सारे एपिक मिले, ये भी बेकार है, ये भी क्रेट पूरा बेकार ही गया। देखो इन दोनों के पास ऑलरेडी ड्रेस है, आपने देखा होगा लॉबी में, ये देखो एकदम ड्रेस व्रेस लेके बैठे हैं। तो अब हम लोग, तो गाइज मैंने सोचा कि मैं ऑलरेडी इतनी बार खोल चुका हूँ तो मैं थोड़ी कम यूसी लगाऊंगा, शायद इस बार मिल जाए, ये मेरा लास्ट टाइम हो। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं ओनली 2000 यूसी लगा के देखता हूँ कि शायद इस बार मुझे मिल जाए, तो देखते हैं मेरा लक कैसा होगा। और आप गाइज देख सकते हो मैंने सस्ता जुगाड़ लगा रखा है, मुझे ड्रेस तो नहीं मिली बट जो आरपी वाला था वही कपड़े मैंने पहन लिए मैचिंग के लिए, क्योंकि मैं सबसे वियर्ड लग रहा था वहाँ पे। तो चलो गाइज अब मैं 10 बार घुमा के देखता हूँ कि अब मिलता है कि नहीं। ये वापस लेजेंडरी आइटम पकड़ा दिया इन्होंने, और बैग भी दे दिया, पता नहीं कितनी बार बैग देंगे ये। इस बार भी नहीं मिला गाइज, इस बार मिल जाए, मैंने सोचा इस बार तो मिल ही जाएगा क्योंकि ये काफ़ी बार मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ, और इस बार भी पूरा साफ कचरा, तीसरी बार मैं देखता हूँ, और इस बार भी बहुत ही अच्छा सामान दिया है इन लोगों ने, खाली एक एपिक और बाकी सारा कॉमन और सिल्वर फ्रैगमेंट्स पकड़ा दिए। मैंने सोचा यार अब नहीं मिला तो इस बार 2000 यूसी में मिल जाएगा,
तो हम लोग देखते हैं कि मेरा लक कैसा ट्राई होगा, और मतलब मेरा लक कैसा है, और हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि शायद इस बार मिल जाए मुझे सिर्फ 2000 UC में, क्योंकि मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ बहुत बार। तो देखते हैं गाइस मिलता है कि नहीं। हम लोग वापस करने जा रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग तो छोड़ो, बहुत ही अनबॉक्सिंग कर दी स्टार्टिंग में, मिला कुछ नहीं। करके देखता हूँ गाइस इस बार, मैं थोड़ा वेट कर रहा था बट चलो फिर कर देता हूँ। इसमें भी सारा साफ, मेरी उम्मीदें पहले ही टूट गई। इसमें तो मैंने स्किप कर दिया जब मुझे दिखा कि एपिक मिला है। ये भी स्किप है, ये भी पूरा कचरा ही है, इसमें कुछ नहीं। पिक गैस किया था कि मुझे पहले नहीं मिलेगा, तो अभी तक आप सही जा रहे हो। देखो कि कब तक मिलता है मुझे। और जो भी कमेंट्स में लिखा है कि मुझे कूपन से मिल गया, तो मुझे तो बहुत जेलसी फील होने वाली है उससे, क्योंकि मुझे तो आज तक कूपन से कुछ नहीं मिला। और ये तो छोड़ ही दो, इतनी सारी क्रेट खोल ली अभी तक। और गाइज हाँ, जो मुझे इसका हेड मिला है, सी सर्पेंट हेड या जो भी उसका नाम है, उसकी भी मैंने गाइज अनबॉक्सिंग की थी शायद 10 to 12,000 UC की। और वो भी मुझे तब मिला जब मैंने 120 UC का एक क्रेट खोला। तब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, रात हो चुकी थी ऑलरेडी, तो मैंने हार मान चुका था। मैं सोचा यार ये तो मिलने वाला नहीं है अब, बट फिर मैंने रात में की थी एक बार और मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। गाइज मुझे लगा ये तो इसमें भी नहीं मिला, बट जो 120 UC की थी वो मैंने एक बार खोली, तब जाके मुझे वो हेलमेट मिला, मतलब वो जो मास्क है ऊपर आप देख सकते हो वो मिला। और देख सकते, तो गाइज आप देख सकते हो स्टिल मेरे को मिला नहीं अभी तक कुछ। मैं खोले जा रहा हूँ और बिल्कुल मेरे को उम्मीद ही टूट चुकी है अब ये मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि सारा एकदम साफ ही जा रहा है, बिल्कुल ही बेकार सा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतना सारा सिल्वर फ्रैगमेंट हो चुका है, ऑलमोस्ट 11,000 इन्होंने सिल्वर फ्रैगमेंट दे दिए मुझे। और जो मिथिक आइटम देना था वो तो इन्होंने देना नहीं है, बस खाली ये जो। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे तो 3 बंदे आ चुके हैं, तो इन लोगों ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी कि अब तू ट्राई कर, तू ऑलरेडी इतनी बार खोल चुका है तो शायद इस बार तुझे मिल जाएगा। तो गाइस मैंने सोचा चलो इस बार 8,000 UC लोड करके देखता हूँ, इस बार शायद मिल जाए, ये लास्ट ट्राई हो मेरा। और फिर मैंने इसको घुमाया और आप देख सकते हो मेरा लक कैसा है, ये तो बिल्कुल ही बेकार जा रहा है, लेजेंडरी भी नहीं दे रही है तो अब। बट स्टिल मैंने सोचा यार अब तो देंगे, मैंने सोचा चलो इस बार तो मुझे मिल ही जाएगा। मैं भी सोच रहा था, मैं भी काफ़ी श्योर था कि इस बार तो मिल जाएगा, ऑलरेडी इतने क्रेट खोल चुका हूँ तो शायद ये मेरा लास्ट ट्राई ही होगा। और आप देख ही सकते हो मेरे सामने ये मेरा लास्ट ट्राई था, ये मेरी सबसे बड़ी गलत फहमी थी कि ये मेरा लास्ट ट्राई होगा। और मैं खोल ही जा रहा हूँ और मिला नहीं अभी तक, और ये बिल्कुल पूरा साफ वापस एकदम बेकार सा। सबसे बेकार जो क्रेट ओपनिंग स्पिन होती है, जो सारे कॉमन आते हैं, वो तो मेरे साथ इसमें शायद 5 या 6 बार हो चुका है ऑलरेडी, देख सकते हो इसमें भी नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो कुछ करके देखता हूँ इसमें, कपड़े वपड़े हटा के शायद मिल जाए। अब मैंने ट्राई की खोलने की, तो गाइस इसमें भी नहीं मिला मुझे और ना ही मिलेगा ऐसा लगने लगा मुझे। और गाइस फिर मैं सो गया और काफ़ी रात हो चुकी थी, मतलब ये मैंने टोटल गाइस 2-2.5 दिन में पूरे अनबॉक्सिंग की है, मैंने एक दिन में नहीं किया टोटल। और फिर मैं सो गया, चला गया मैं। और फिर गाइस अगले दिन मैंने वापस 34,000 UC की फिर से अनबॉक्सिंग की। हाँ गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती तो मैं आपको सीधा लास्ट फाइनल स्पिन दिखा रहा हूँ। 34,000 UC गाइज मुझे और लग गए इस ड्रेस को निकालने में। और फिर मैंने एक एक करके ये जो क्रेट में खोल रहा हूँ, ये तो गाइज मैंने आप समझो 70 times ये क्रेट मैंने एक एक करके खोली और मुझे एक भी लेजेंडरी भी नहीं मिला था, मेथी की तो बात छोड़ दो। बट फिर मैंने क्या किया, एक एक करके खोलने के बाद मैंने सोचा चलो अब 10 खोलता हूँ। और ये स्पिन आप देख सकते हो, इसमें गाइज मुझे AKM मिल चुकी है पहले। AKM तो मेरे पास 5 हो गई शायद, 5 या 6 हो गई थी। और गाइज आप देख सकते हो बूम, मुझे सी सर्पेंट सेट मिल चुका है फाइनली आफ्टर ओपनिंग क्रेट्स ऑफ वर्थ 80,000 UC, तब जाके फाइनली ये क्रेट मुझे मिला है। और आप देख सकते हो इतनी लंबी वीडियो हो जाती है, 35 मिनट की वीडियो हो रही थी, तब जाके मैंने काटा और फाइनल स्पिन लगाई इसमें। और गाइज तो चलो गाइज एस फाइनली हमको ये ड्रेस मिल चुकी है, तो अब मैं आपको इमोट करके दिखाता हूँ, तो आप बताना कि ये इमोट कैसा लग रहा है मेरे पे। तो देख सकते हो कितना कूल इमोट लग रहा है, एकदम सही, अभी तक का सबसे बेस्ट इमोट लगा है मुझे ये। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस कि आपको ये ड्रेस कब मिली थी और अभी तक आपको ये मिली है या नहीं। और हाँ गाइस जाने से पहले आपको मेक श्योर एक बार और याद दिला दूँ, जो गिव अवे होने वाला है वो काफ़ी एपिक होने वाला है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप मेक श्योर वो चेक कर लेना और हर संडे वहाँ आप गिव अवे जीत सकते हो। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये क्रिएट अनबॉक्सिंग की आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको इन फ्यूचर और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में यस टाइप करना। तो चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या टेक केयर।